यह संक्रामक रोग एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल इन्फेक्शन है। इसके लक्षण हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यह एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। ये लक्षण नहीं होते हुए भी आपके लिम्फैटिक सिस्टम को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकता है। मैं डॉक्टर अंकिता वैद्य, कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस एट मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली, आपसे इस वीडियो में लिम्फैटिक फाइलेरियासिस के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसे आमतौर पर आप सभी एलिफेंटियासिस के नाम से भी जानते हैं। लिम्फैटिक फाइलेरियासिस एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है जो मुख्य तौर पे दो पैरासाइट्स होते हैं, जो विचरेरिया बैंक्रॉफ्टी या ब्रूजिया की स्पीशीज होती है, जिसके कारण होता है। ये मच्छर के काटने से आपस में इंसानों में फैलता है। सो मुख्य तौर पे हमारे शरीर में एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें हम जानते हैं आर्टरी और वेन्स होती हैं, हम सभी जानते हैं इसके बारे में। वैसे ही लिम्फैटिक सिस्टम भी होता है, जिसमें लिम्फैटिक्स होते हैं। और ये जो पैरासाइट है विचरेरिया या ब्रूजिया, जो कॉमनली फाइलेरियल वॉर्म की तरह हम एड्रेस करते हैं मेडिकल टर्म्स में, ये लिम्फैटिक्स में रहता है। शुरुआती समय में इसके कोई लक्षण नहीं आते हैं। होता यह है कि जब इसका इन्फेक्शन होता है तो जो लिम्फैटिक्स होते हैं हमारे, जो नसें होती हैं लिम्फैटिक्स वाली, उसमें हल्की ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। इस ब्लॉकेज के कारण हमें चेंजेस दिखते हैं, बदलाव दिखते हैं, जिसमें हल्की सूजन हो जाती है, सूजन आती जाती रहती है कभी कभी। और जिस ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है, जैसे अगर हमारे पैरों में इन्वॉल्वमेंट है तो हमारे पैरों में सूजन आएगी। कुछ लोगों में हाथों में भी होता है, कुछ औरतों में कभी कभी ब्रेस्ट में, या पुरुषों में कभी कभी स्क्रोटम में स्वेलिंग आ जाती है। तो इस तरह से लिम्फैटिक फाइलेरियासिस हमें लक्षण दिखाता है। कुछ समय में ऐसा हो जाता है कि जब इसका जो इन्फेक्शन है ये काफ़ी समय तक चलता है, तो हमारी लिम्फैटिक्स इतने ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका होता है उनको कि वो पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाती है, और ये सूजन जो है वो बनी रहती है। और लगातार बनी रहने से हमारी जो चमड़ी है या उसके नीचे की जो सतह होती है, जिसे हम सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं, उसके अंदर भी सूजन आ जाती है और उस थिकनिंग हो जाती है, जिससे कि चेंजेस दिखते हैं और हम उसे एलिफेंट लेग या एलिफेंटियासिस के नाम से कॉमनली जानते हैं। ये मच्छर के काटने से फैलता है। लिम्फैटिक फाइलेरियासिस एक मस्कीटो बॉर्न डिजीज है। मच्छर होते हैं जो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटते हैं, जिसमें ये जो पैरासाइट है ये उसके नसों में दौड़ रहा हो, तो ये अपने अंदर ले लेते हैं। उसमें मच्छर में इस पैरासाइट के कुछ चेंजेस आते हैं, और वो किसी दूसरे इंसान को काटता है तो ये उसमें छोड़ देता है, तो फिर वहाँ दूसरे इंसान को संक्रमण हो जाता है। तो ये मस्कीटो बॉर्न डिजीज़ है, यानी कि मच्छर के द्वारा फैलने वाली डिजीज़ है। इसे ट्रॉपिकल रोग भी कहा जाता है। कारण यह है कि जो इसके मुख्य तौर पे ज़्यादातर जो लोग पाए जाते हैं, जो इन्फेक्टेड होते हैं, संक्रमित होते हैं, वो जो ट्रॉपिकल रीजन है हमारे अर्थ का, हमारी पृथ्वी का, उस रीजन में पाए जाते हैं, और इसीलिए इसे ट्रॉपिकल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। लिम्फैटिक फाइलेरियासिस भी एक लक्षण के तौर पर हम डायग्नोज करते हैं कि ये अगर पैरों में सूजन है या कहीं पर भी इस तरह का सूजन आ रहा है। ज़्यादातर लोगों में ऐसा देखते हैं कि एक ही तरफ का सूजन होता है, और इसके दूसरे जो टेस्ट होते हैं, जिसमें हम एंटीजन का टेस्ट करते हैं, जो हमारे खून से टेस्ट सैंपल लिया जाता है, और उसमें इसका जो कीटाणु होता है इसको पकड़ा जाता है, उसको देखा जाता है माइक्रोस्कोप के थ्रू, या कुछ किट्स होती हैं उसके थ्रू देखा जाता है। तो खून से भी जाँचें की जाती है इसकी, और डायरेक्ट हम जो लक्षण देखते हैं उसके थ्रू भी इसको पहचाना जा सकता है। लिम्फैटिक फाइलेरियासिस का इलाज पूरी तरह से संभव है, बट ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हम इनिशियल स्टेज में, शुरुआती समय में ही इसको पकड़ पाएँ तो ये सबसे सही होता है, क्योंकि उस समय तक ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया होता है। इसके अंदर एंटी हेलमेथिक ड्रग चलती है, जो एक तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ समय तक चलती हैं और पूरी तरह से क्योर कर देता है इस पैरासिटिक इन्फेक्शन को। जब ये एलिफेंटियासिस वाले स्टेज पे पहुंच जाता है, तो ये जो इन्फेक्टिव एजेंट पैरासाइट होता है, इसको तो हम मार सकते हैं दवाइयों से, बट जो चेंजेस इसने ला दिए होते हैं हमारे पैरों में या जिस ऑर्गन में ये अफेक्ट करता है,
जहाँ पर ये इन्फेक्शन हो रहा होता है वहाँ पर ये जो परमानेंट डैमेज कर देता है उसको हम रिवर्स बैक सिर्फ मेडिकल तरीके से नहीं कर सकते, उसमें हमें सर्जिकल हेल्प लेनी पड़ती है।